Good morning student, I am Gopikumar Srivastava and this is my fifth video of chapter number 6 grammatic presentation. In this video we are discussing the method or diagram of Prokin scale bar diagram. In this video we have to know about how to make a Prokin scale bar diagram, and this is the types of diagram. So there is a question from the following data export of a company. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें एक्सपोर्ट दिखाया जा रहा है किसी कंपनी का कि कंपनी कितना 1000 में एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, प्रिपेयर सुटेबल डायग्राम. आपको सुटेबल डायग्राम बनाना है जो कि ब्रोकन बार डायग्राम से रिलेटेड है. सो 2001 में जो ईयर है उसमें मैं आप 120 उसको 1000 लगा देना आपको 120 साथ में 00 मतलब 1,20,000 का रुपया का आप सेल करते हैं. मतलब हर एक के साथ 1000 जीरो 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 मतलब कि 3 0 है मतलब 1000 है मतलब 1,20,000 1,20,000 3,02,00,000 मतलब इससे भी आप जान सकते कितना 1000 हो गया. ठीक है, 450 तो इस तरह से देखा जाए तो सभी बराबर था. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नंबर है बहुत ही बड़ा हो गया है. ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. अचानक 2013 का जो सेल है वो अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया. तो वो देखा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 0 मतलब 3,25,000. ये 3,25,000 हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा है, उससे भी ज्यादा हो जाएगा ये. ठीक है, तो देख सकते हैं 3,25,000 क्योंकि यहाँ पे तो 10 यहाँ पे है और 30 हमें लगाना है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3,250,000 मतलब 3,250,000 हो गया अचानक. मतलब सेल्स यहाँ देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और बाकी सब में नॉर्मल है. जैसे 1,20,000 है, 2,50,000 है, 4,30,000, 5,50,000 रुपया है. बीच में क्या हुआ 32,50,000 का सेल हो जाएगा. तो इस तरह से अचानक जो सेल बढ़ गया उसको डायग्राम में आप कैसे दिखाएंगे, किस तरह का मेजरमेंट होगा आपको. यहाँ पे मेजरमेंट करने में बहुत ही दिक्कत होगा आपको, बहुत ही प्रॉब्लम होगा. तो चलिए इसे देखते हैं हाउ टू मेक ब्रोकन स्केल बार डायग्राम थ्रू दिस क्वेश्चन. सो लेट अंडरस्टैंड. देखिए ईयर हम लोग हमेशा नीचे लेते हैं, हमेशा नीचे ही लेंगे और हमारा जो एक्सपोर्ट का स्केल होगा वो हम ऊपर ले लेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 120 250 इस प्रकार से है. तो हम लोग जो डिफरेंट है वो 100 का डिफरेंट ले लेते हैं. यहाँ पे 100 200 300 400 500 और 600 तक चलते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा के वाई एक्सिस ले देते हैं. ठीक है, देखिए उसके बाद ईयर को हम लोग नीचे ले लेते हैं. 2001 2002 2003 2004 और 2005 इसको थोड़ा बढ़ा के एक्स एक्सिस देख देते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे. तो देखिए यहाँ पे 2001 में देखा जाए तो 120 मतलब हो गया 1,20,000 जिसको हमको सिर्फ 120 में दिखाना है. ठीक है, तो 120 आपका एक्सपोर्ट हुआ है तो 120 आपको कहाँ मिलेगा 2001 में. देखा जाए 100 ही थोड़े से ऊपर में मिलेगा आपको 120 मतलब ये 120 के बराबर है. ठीक है, अगला देखिए तो 2002 में 250 है तो 250 में हम लोग चले जाएंगे 250 की ओर जो आपको 200 और 300 के बीच में मिलेगा. तो ये हमारा डायग्राम 200 और ये 250 हो गया. ठीक है, उसके बाद अगर आप अगर देखेंगे क्वेश्चन की ओर तो आपको देखने मिलेगा कि 2003 में 32,50,000 हो गया मतलब 32,50,000 हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा है. इसके लिए हमारा जो मेजरमेंट है पार हो जाएगा, हमारा मेजरमेंट काम नहीं करेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में. ठीक है, यहाँ पे 3,250 मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा है तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे वो भी आपको बता देते हैं. जैसे मान लीजिए इसका आखिरी तक पहले जाना है आपको कि आखिरी बिल्डिंग तक कहाँ तक जाएंगे. तो आखिरी देखिए तो 600 पे जाना है तो आप 600 पे पहले चले जाइए. आप 600 तक बना लीजिए. उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से एक कटअप करना है, यहां से एक कटअप करना है. देखिए यहां से कट देना है क्योंकि इसके बाद अगर हम बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर है तो इसको बीच का रास्ता जो है डिफरेंसेस दिखा रहा है कि 3,600, 700, 800, 900, 1,000, 1,200, 2,000, 3,500 मतलब इस प्रकार से बहुत आगे बीच का गैपिंग है वो हम लोग यहाँ पे नंबर को यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन. उसके बाद आप ऊपर में 3,250 को दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा 3,250 है. तो जब भी इस प्रकार का आपको ब्रोकन मिलेगा तो आप इसको तोड़ के दिखा सकते हैं. यहाँ पे आपको गैपिंग कर देना लास्ट में, लास्ट तक आना है और 3,250 तो हमारा मेजरमेंट है नहीं तो आप यहाँ तोड़कर गैपिंग करके दिखा सकते हैं. ठीक है, अगला हमारा है 2004 में 430
तो 430 में हम लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे 400 और से थोड़ा सा ऊपर चले जाते 30 हो जाएगा, तो 430 हो गया ये। अगला हमारा 550, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते 550 में, ये हमारा 550 और 550 जो है 500-600 के बीच में मिलेगा, तो ये हमारा 550 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। अब आप नीचे में ईयर में ईयर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है रुपीज इन 1000 के रूप में है, तो जितना भी है सब 1000 में है। आप यहाँ जीरो दिखा सकते हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और आप इसको देख सकते हैं। ब्रोकन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ब्रोकन करके बना सकते हैं, तोड़कर बना सकते हैं वहां पे गैपिंग देकर, ठीक है। तो इसको किंग कहते हैं, किंग बनाना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आपके लिए हमारे पास होमवर्क है जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो चलिए हम लोग होमवर्क देखते हैं। सो वेयर हेयर इज अवर क्वेश्चन, यूज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कि ईयर और एक्सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे ईयर एंड प्रोडक्शन है क्विंटल में, जैसे 20 क्विंटल 1992 में प्रोडक्शन हुआ है। और किसी चीज का भी प्रोडक्शन मान सकते हैं, आप वीट का प्रोडक्शन मान सकते हैं, राइस का प्रोडक्शन मान सकते हैं, किसी भी आप फूड ग्रेन का जो है प्रोडक्शन मान सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको जानना है कि ये प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि आप इसको वीट का ही प्रोडक्शन मान लीजिए, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं कि वीट का प्रोडक्शन 1992 में 20 क्विंटल हो गया, 1993 में 40 क्विंटल हो गया, पर 1994 में देखा जाए तो 4800 क्विंटल हो गया, जबकि बहुत ही ज्यादा है, जो मेजरमेंट से बाहर हो गया। जिस तरह से वो क्वेश्चन था उसमें 3250 आ गया था, इसमें आपका 4800 आ गया, तो अचानक बहुत ज्यादा आ गया। तो ये उस वक्त नॉर्मल है, यहाँ देखा जाए तो ये नॉर्मल है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, आप इसको मेजरमेंट करके बिल्कुल होमवर्क के तौर में इसे बनाए अच्छे से। सो दिस इज होमवर्क, आई मस्ट मेक इट इन योर फेयर कॉपी, और हमेशा आप क्वेश्चन को बिल्कुल बनाए। जब तक आप क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको सीखना है हर क्वेश्चन को देखें, हर टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये जरूरी है कि आप उस सभी टॉपिक को देखें अच्छे से समझें, और सभी वीडियो को वन बाय वन देखें, और साथ में ही बुक का भी हेल्प लीजिए। आप बुक में कैसे बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपका फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली इस तरह इस चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल होंगे, और कौन सा मेथड होगा वो भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी दे सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से बना सकें। तो इस तरह का डायग्राम आप बिल्कुल बना दीजिए, ये बहुत ही छोटा है, ईयर को आप नीचे दिखा दीजिए और आप प्रोडक्शन को ऊपर दिखा दीजिए क्विंटल में, और आराम से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ मेजरमेंट जो है 20 का ले लीजिए, 20 40 60 80 100 तक ले लीजिए, उसके बाद फिर तोड़ दीजिए, मतलब आप ज्यादातर 80 ले सकते हैं क्योंकि 80 के ही बराबर यहाँ पे है, और उसके बाद आप तोड़ना पड़ेगा, किंग बनाना पड़ेगा, और आप उसके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मस्ट मेक इट, थैंक यू।